हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज हम बहुत ज्यादा खुश हैं और हम खुश इसलिए हैं क्योंकि गाइस यंगस्टर्स ने अपना न्यू सॉन्ग ड्रॉप कर दिया है, वो भी अभी कल ही आया है। yes. और हम इस पे आज रिएक्ट करने वाले हैं। तलहा अंजुम ने पोस्ट करा था टॉक टू मी के बारे में, तो हमने सोचा फाइनली न्यू सॉन्ग आ गया गाइस एंड इट्स आवर फेवरेट ट्रायो ट्रायो। इसमें होने वाले हैं जोखे, जोखे का प्रोड्यूस बाय जोखे होने वाला है, तलहा अंजू होने वाले हैं, तलहा यूनुस होने वाले हैं, ऑब्वियसली यंग स्टनर्स होने वाले हैं इसमें। एंड जैसे कि हम अपनी रीसेंट वीडियोस में जो हमने रिएक्ट करा था, तो हम बार बार बोल रहे थे कि हम चाहते हैं दोनों दोबारा साथ आए, exactly. मतलब जल्दी से जल्दी अपना सॉन्ग लाएं, और फाइनली इट इज हेयर। तो हमें यकीन सा नहीं हो पा रहा कि क्या हो रहा है यार। लास्ट हमने किस क्यों पे रिएक्ट करा था, हाँ, तो उसके बाद हम काफी एक्साइटेड थे कि इनका न्यू अभी सॉन्ग आया। अभी तलहा यूनुस का आई गेस न्यू सॉन्ग आया भी है, बट हमने उस पर रिएक्ट नहीं करा है। बट अभी टॉक टू मी आ गया दोनों का मिलके, तो हम ज्यादा एक्साइटेड हो गए। हमने कहा नहीं भाई, सबसे पहले तो इसी पे रिएक्शन आना चाहिए। यस, तो अभी फटाफट से इस पर रिएक्ट करते हैं, बाकी हमें थोड़ा सा पता है कि ये रोमांटिक काइंड ऑफ या फिर कुछ सॉन्ग होने वाला है, नहीं पता ऐसा, बट अभी देखते हैं। मैंने मतलब गेस करा है ऐसे, तो अभी फटाफट से रिएक्शन देते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो यू नो व्हाट टू डू, सब्सक्राइबर्स। एंड गाइज, एक और हमारा चैनल है जिसका लिंक आपको मिल जाएगा कमेंट सेक्शन में, सो अगर आपने वो चेक नहीं करा है उसको भी जरूर चेकआउट करें। एंड इफ यू लाइक इट देन ऑल्सो सब्सक्राइब इट। यस, लेट्स जस्ट गो। आप रोमांटिक ही लग रहा है उसको। कह दे वो दिल की बातें जो तू जमाने से तो कह ना सकी, सुनूं बैठ के अब मैं तेरी। Talk to me, बता दर्दे दिल के सबब, ये पर्दे हटा दे तू अब, ढा दे एक और गजब। दिल में तूफान उठा और फिर थम गया, सीना चीरता है सीने में जो दम गया। एक ही गली से निकले थे मैं और वो, उसके घर खुशी गई मेरे घर गम गया। ठोक ज़ैन मुझसे सोया नहीं जाए, I would cry you a river लेकिन रोया नहीं जाए। मैंने इर्द गिर्द ये दीवारें खुद ही बनाई ताकि मुझे at my lowest कोई देख ही ना पाए। अब मुझसे बोला नहीं जाए, but you can't take me down अगर मौला ना चाहे। मैं 16 से हाय ना कोई 16 सफाई, दुनिया तो जलती है दुनिया का क्या है। जिंदगी सबक बनी रोज तू कुछ सीखती है, तू उसका गुरूर जिसने तुझे तखलीक दी है। मैं सीखता हूँ गलतियों से भागता नहीं, मैं सो गया हूँ तुझ में अब मैं जागता नहीं। अब तेरा मेरा पहले जैसा राबता नहीं, वो राख बन गया कि जो के आग था कभी, बयाबान बन गया जो बाग था कभी। बेसाख्ता खड़े हैं जैसे जान से भी गए, तू रोशनी थी मेरी हम तो चांद से भी गए। हम कौन है हम क्या है हम जानते ही नहीं, ये फैसले एक तरफा हम मानते ही नहीं। जो दूरियां हैं दरमियां वो फासलों से नहीं। Talk to me, walk with me, दो कदम, that's all we need, you're safe with me, मैं तेरे लिए दे दूं जान अपनी, मेरी नजर से हिम्मत को तू कभी पहचान अपनी। And just talk to me, कह दे वो दिल की बातें जो तू जमाने से तो कह ना सकी, सुनूं बैठ के अब मैं तेरी। Talk to me, बता दर्दे दिल के सबब, ये पर्दे हटा दे तू अब, ढा दे एक और गजब। दोनों पे लिख देंगे हम नाम तेरा, नहीं जान पहला अपने काम से ये नाम फैला। आशिक की एक वहम लिया घूंट तो नुकसान तेरा, नदानियों में भूली थी वो नाम मेरा। लोग गलती को शराब कहते हैं, हकीकत को ख्वाब कहते हैं, दिनों को भी रात कहते हैं, मेरे जिक्र को भी अब वो गुनाह कहते हैं। रूठे नहीं तुम बदल ही गए, टूटे कई और सवर भी गए, संभले नहीं तुम बिखरते रहे, जख्मों का क्या वो तो भरते रहे। आजा कभी बात तो कर, हंसते हम क्यों अब इन फासलों पर, आना कभी साथ तो चल, कौन गलत कौन सही आए हिसाब तो कर, बेशक गलती से ही कभी याद तो कर, मेरा ग्लास तो भर थोड़ा बर्बाद तो कर, लोग मेरे पीछे बड़े हाथ तो कर,
मेरे हुनर का लिहाज तो कर, tell me what you want from me, आखिर कुछ बता तो सही, she don't wanna talk to me, ये सब तेरा शौक तो नहीं, सजाएं फिर ये बांट लेते, खामियां तो खूबियों से जांच लेते, कैसे तोड़े ना दीवारें ये, तेरा ही ख्याल जब भी सांस लेते, सोचो शौक तो नहीं कह दे वो दिल की बातें जो तू जमाने से तो कह ना सकी, सुनूं बैठ के अब मैं तेरी, talk to me, बता दर्दे दिल के सबब, ये पर्दे हटा दे तू अब, ढा दे एक और गजब, हर गाने के बाद सिर्फ एक ही चीज आती है मन में कि ये खत्म क्यों हुआ, बस एक ही कमी होती है यंगस्टर्स के सारे गानों में कि इट एंड्स यार, इट एंड्स और बहुत ही जल्दी। कितना छोटा सा सॉन्ग था ये, कितने मिनट का था? काफी 4.5 मिनट कुछ का सॉन्ग था ये, बट गाइज ये लोग दोबारा अगेन ये चीज प्रूव कर चुके हैं, प्रूव करने की जरूरत भी नहीं है कि ये पूरी उर्दू हिप हॉप इंडस्ट्री में बिल्कुल ऐसे किंग है, इनको जो कहते हैं वो बिल्कुल सही है। एग्जैक्टली, इनको ये चीज प्रूव करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि ये जब भी अपना कोई सिंगल या फिर डुओ निकालते हैं साथ, तो ये चीज अपने आप प्रूव हो जाती है कि भाई दे आर सुपर्ब। और आई डोंट थिंक कि इसके अलावा सबसे बड़ा कोई टाइटल हो सकता है कि वो हिप हॉप के किंग है। एग्जैक्टली भाई, और ये वाले जो इनके इस वाले जॉनर के गाने होते हैं ना, लो फाई बीट टाइप से वाइबी से, ये बहुत सही लगते हैं। जैसे इनका वो था ना वाई, अभी जो रिएक्ट भी नहीं था पर बहुत सुनते हैं हम, तो गाइज वो भी इतना मजेदार है। और मेरे को ये भी काफी अच्छा लगा क्योंकि भी उसी टाइप का सा सॉन्ग है। प्लस गाइज जब अंजुम की वो वाली लाइन थी, उसके घर पता नहीं क्या थी, कुछ थी, मेरे घर गम गए, उसके घर खुशी गई, मेरे घर गम गए, भाई ओ माय गॉड। चलो ये लाइन तो छोड़ो, ये तो थी अमेजिंग, बट अंजुम का जो पूरा पार्ट था दैट वाज अमेजिंग। मतलब एक लिरिक्स से इतने ज्यादा ओवरवेल्म हो जा रहे थे हम कि वाओ वाओ वाओ, और एकदम से नेक्स्ट लिरिक आ रहा था, फिर लग रहा था ओके दिस इज ऑल्सो वाओ, बहुत अच्छा, इतना मेस्मराइजिंग लग रहा था, मन कर रहा था यार सुनते ही रहे, खत्म ही ना हो वही चीज। और तलहा यूनुस की बात करें तो उनकी भी मुझे जो एक पर्सनल फेवरेट लाइन लगी वो ये थी, लोग गलतियों को शराब कहते हैं, हकीकत को ख्वाब कहते हैं। और जब उन्होंने ये लाइन बोली ना, तो ऐसे हिट करी कि भाई दिस इज एक्चुअली ट्रू। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे शायराना अंदाज में तो वो बिल्कुल बोलते हैं, हम हर वीडियो में बोलते हैं और हम अभी भी जरूर बोलेंगे कि उनकी आवाज में नशा है, इट इज लाइक अ ड्रग। और वो उनकी ना जो आवाज है, मतलब इट इज सो सूटेड फॉर सच सॉन्ग्स की सुन के ना मजा आ जाता है। मतलब कहते हैं ना कि पूरी एक वाइब आ गई, फील आ गई, वैसा पूरा माहौल बन जाता है। इन काफी लोगों ने नीचे कमेंट कर रखा है कि दिस इज लाइक ऐसे 4 AM वाला जो गाना होता है ना, कि तुम 4 AM पे सुनो एंड तुम्हारे को अपने लाइक इन ऑल योर मूड, तो बहुत मजेदार है। सही। और यार मतलब मेरे को जब मैं सुन रही थी ना गाना, मेरे को ऐसा लग रहा था कि यार इन्हें इसी टाइप के और भी डुओ भी और सिंगल्स भी निकालने चाहिए, क्योंकि इनका बेंस था वो काफी ज्यादा डिफरेंट था इससे। बट ये वाला मेरे को पर्सनली बहुत अच्छा लगा, और मतलब इसकी वाइब होती है ना एक पर्सन को कैसी लगती, तो मेरे को बहुत अच्छी लगी इसकी, बहुत अमेजिंग वाइब थी गाइज। और हम जैसे इनको थोड़ा ज्यादा मिस करने लगते हैं, इनका न्यू गाना आ ही जाता है, जैसे कल हम बात कर रहे थे कि ओहो तलहा यूनुस का न्यू सॉन्ग आया है, कब आएगा यंग सिंगर्स का, और आज इनका गाना आ भी गया, मतलब कल आ गया था, हम परसों बात कर रहे थे। हाँ एग्जैक्टली, बट यार इन्होंने मतलब तबाही मचा दिया, अभी तो उतने व्यूज नहीं है, मतलब 14 आवर्स ही और गाइज, अभी हमने काफी जल्दी रिएक्ट कर दिया इससे, और आई थिंक ये दो दिन में रिएक्ट करने के लिए हम बहुत डेस्परेट थे, और हम चाहते थे यार हम सुने, वरना हम पहले सुन लेते तो फिर उसके बाद हमारा ऑथेंटिक रिएक्शन आप लोगों को नहीं मिल पाता। तो हमने सोचा पहले ही रिएक्ट कर लेते हैं, उसके बाद हम 10 करोड़ बार तो हम सुनेंगे अलग से, वो तो है, दिस इज द गोइंग इन अ प्लेलिस्ट गाइज, क्योंकि बहुत अमेजिंग है। और यार इनके लिरिक्स यार अभी भी ना, मैं तो हमेशा ही कहती हूँ कि हम जब फर्स्ट टाइम सुनते हैं ना, तो हम बहुत ज्यादा ऐसे जिसने बोला मेस्मराइज हो जाते हैं, तो ना उतना हम अच्छे से लाइक लिरिक्स पे वो नहीं, मतलब एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। एग्जैक्टली, ये ऐसा होता है, सुनते हैं तब लगता है भाई ये लाइन भी बड़ी सही है। Exactly. तो ऐसा बहुत बार ही होता है, तो हम जब दोबारा सुनेंगे तब हमारे को डबल मजा आने वाला है। हाँ, 4-5 बार के बाद सुनने के बाद ना ऐसा लगता है भाई ये बहुत ही नेक्स्ट लेवल है। हाँ एग्जैक्टली, और म्यूजिक भी इसमें काफी अच्छा है, प्रोड्यूस बाय जोके, तो ऑब्वियसली म्यूजिक तो जबरदस्त होना ही था, व्हाट एल्स टू एक्सपेक्ट। सही में, तो गाइज What was this? Okay, guys. देखो हमारे साथ हमारी इलेक्ट्रिक पावर है, वो भी एग्री कर रही है कि exactly, yes. मुझे भी मजा आया। तो गाइज दैट वॉज आर रिएक्शन, और दोनों किंग के लिए
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दोनों किंग को कंग्रेचुलेशन उनके न्यू सिंगल के लिए डुओ के लिए बहुत अमेजिंग मजा आ गया. सो गाइज दैट वाज अ रिएक्शन. थैंक यू सो मच वॉचिंग. होप यू गाइज एंजॉयड इट एंड लेट अस नो व्हाट यू थिंक ऑफ द न्यू सॉन्ग इन द कमेंट सेक्शन बिलो. और अगर आप मेरे कोई सजेशंस देना चाहते हैं वो भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं. वी'ड लव टू रिएक्ट ऑन इट. यस और अपना फेवरेट लाइन भी जरूर बता देना. बाय.